लकड़ी ले लेके दम भाग रहे तेजी में लाला जी। बस तो हम बना रहे थे रेकवाच, लेकिन बारिश इतना तेज आ गया कि देखिए सब गीला भी हो गया। क्या गिरा जी? बारिश में बड़ा दिक्कत होता है दोस्तों, तो चूल्हा जला लेती हूँ, देखिए लकड़ियाँ भी भीग गई। अच्छा लगता है। आज हमारे दोस्त सोच रहे होंगे कि मैं इतनी खुश क्यों। दोस्तों खुशी का राज आप लोगों को पता चलेगा। ये ले लिए हसुआ, इसको बोलते हैं हसुआ हमारे गांव में, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। ये ले लिए टोकरी, चलते हैं खेत में। आई एम रेडी मोतरवा जी, पानी वानी भर के तैयार करके रखिए, हम आते हैं कुछ मिनट में। तो मोतरवा जी पानी लेके आ रही है, ठीक है हम चलते हैं खेत में। पिल्लू चलेगी खेत में, आ जाओ। बच्चा को नहीं डराना, ठीक है बेबी। गैया माता, हमको कुछ नहीं आता, जा रहे हैं अभी खाना ले। जब हम बकरी से प्यार कर रहे थे तो तुमको क्यों दिक्कत हो रहा था? क्या बेबी सिर्फ तुम ही से प्यार करेंगे? देखिए दोस्तों, हम बकरी से जब प्यार करने लगे थे तो ये कितना चिढ़ रही थी। यहाँ पे ना मतलब मान लीजिए ना कि हमारे इधर का ना स्वर्ग है, यहाँ पे बैठ के आप पूरा हरियाली का आनंद ले सकते हैं। जाओ खेलो, जाओ जी ना। हमारे इधर का ना ये मतलब शिमला है, शिमला मंसूरी बोल सकते हैं, मसूरी, मतलब ऐसा व्यू दिखेगा आपको बहुत दूर दूर तक। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों खेत में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनीता जी के किचन में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है अरबी का पत्ता से रेकवच। रेकवच हम आज अलग स्टाइल में बनाएंगे, मात्र 5 से 7 मिनट में बन जाता है। अगर आप तैयार करके रखे ना रोल को तो तुरंत बन जाता है। वो जो ट्रिक है हमारे यहाँ बनता है, मैं आपको चल के दिखाती हूँ बना के, तो बहुत ही आसान है, ना ही उबालने का झंझट ना ही कुछ। फटाफट आप रोल बनाइए और उसका रेकवच बना लीजिए। तो सबसे पहले हम खेतों में आ गए हैं, अरबी का पत्ता लेंगे, उसके बाद घर पर चल के बनाएंगे। चोरी चोरी मेरा दिल तू चुरा के। तो देखिए दोस्तों, अरबी का पत्ता कितना बढ़िया बढ़िया हुआ है। ये अरबी का ना दो तरह का पत्ते आते हैं, ये है देसी वाला अरबी और एक विदेशी वाला भी आता है। तो ये देसी वाला जो है वो थोड़ा थोड़ा गला काटता है, तो इसमें खटाई डालना बहुत ही जरूरी है। तो इसको हम बताएंगे आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हम पत्ते को काटेंगे। यहाँ से देखिए हम पत्ते को काट लेते हैं, पत्ते पत्ता हम काटेंगे खाली। ये जो डंठल आपको दिख रहा है ना, ये डंठल का भी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनता है, किसी दिन मैं बना के दिखाऊंगी आपको। तो आज तो मैं पत्ते पत्ते का बनाऊंगी रेकवच। तो बड़ा बड़ा जितना भी पत्ता है सब काट लेते हैं, सभी पत्तों को काटेंगे। कोई कोई पत्ता ना जैसे छोटा होता है वो भी नहीं बड़ा होगा, तो इसलिए उसको भी काटना पड़ता है। देख रहे हैं छोटे पत्ते हैं, ये बड़े नहीं होंगे, तो इसको हम लोग काट लेते हैं।
एक टोकरी में रखते जाती हूँ। ये अरवी के जो पत्ता है ना, कपड़े से दूर रखना चाहिए क्योंकि इसमें ना दाग लग जाता है कपड़ों में। तो देखिए मैं कैसे काटती हूँ। अगर बाजार में मिलता है ना तो सेम जैसे डंठल के साथ भी मिलता है, और नहीं तो पत्ते पत्ते भी मिलते हैं आजकल। तो देखिए मैं किस तरीके से सारा पत्ता काट ली हूँ। तो इतना सारा एक डलिया काट लिए हैं दोस्तों, और यहाँ पे भी देखिए कितना बड़ा बड़ा पत्ता हुआ है, देख रहे हैं। लॉरबी के पत्ता हम सारा काट लिए दोस्तों, हम लेते चलते हैं घर पे और फिर बनाते हैं। दोस्तों पत्ते तो लेके आ गए हैं, एक कठरा कह सकते हैं आप। पत्ता कितना सुंदर सुंदर है, देख के जी ललक जाएगा आपका भी। इधर देखिए, अब ये जो है ना पत्ते, जितने भी हम पत्ते लिए हैं सबको ना इस तरीके से इसका ये जो हार्ड वाला पार्ट होता है इसको निकाल देंगे, रेसा भी निकाल देंगे। हैं, बस ध्यान रखेंगे पत्ता फटे ना। अब पत्ते के ऊपर ना कीड़े वगैरह रहते हैं तो उसको साफ करके फिर रखते जाएंगे। अब देखिए कैसे कीड़े होते हैं, देख रहे हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये तो इसको साफ कर लेंगे, जाला वगैरह हो जाता है इस पर। इसको साफ करके और इसका जितना भी ये रेसा है निकाल निकाल के हम रखते जाएंगे। तो सारा पत्तों को हम साफ कर लेते हैं और फिर इसको धोना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम सारा पत्ता को साफ कर लिए हैं बिल्कुल अच्छे से, कोई कीड़ा वगैरह नहीं है। अब इसको हम धोएंगे, धोने के लिए कैसे धोएंगे आपको दिखाती हूँ। तो एक बड़े से बर्तन में पानी लेंगे और इस पत्ते को डाल के आराम से धोएंगे, पत्ता फटना नहीं चाहिए। और इस तरीके से धो धो के और निकाल निकाल के एक बर्तन में रखते जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, एक साथ तीन चार पत्ते को भी धो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ना फटे ना। इस पे ना पत्ते पे ना आप पानी डालिएगा ना तो पानी रुकता नहीं है, देखिए देख रहे हैं कैसे चांदी जैसे चमकता है पानी। सोने जैसा बाल है तेरा, चांदी जैसे रूप, देख रहे हैं कितना चांदी के जैसे चमक रहा है दोस्तों। इस पे पानी नहीं टिकता है, चाहे जितना भी भगवान बारिश बरसा दे अब पानी एक सेकंड में बह जाता है, देख रहे हैं। तो इसको हम धो धो के रख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सारा पत्ता हम धो लिए हैं अच्छे तरीके से। अब चलते हैं मसाला की तैयारी करने। तो रेकवंच में हमारे गांव में एक स्पेशल मसाला डाला जाता है, ठीक है, तो वो मसाला मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें ना खूब सारा लहसुन पड़ता है, तो जैसे कि ये चार रोल बनके तैयार होगा हमारा, तो उसके हिसाब से मैं मसाले बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए 4 से 6 गांठ ये लहसुन है, लहसुन इसमें ज्यादा पड़ता है इसलिए मैं बता रही हूँ, जब ही जाकर टेस्टी बनता है। तो अगर आप कम बना रहे हैं, 2 रोल बना रहे हैं, तो इसका आधा लहसुन डालें। और यहाँ पे मिर्ची लिए हम 15 से 20, इसमें थोड़ा तीखा ज्यादा डाला जाता है, यानी कि जो मिर्च का मात्रा है ज्यादा रहता है, इसलिए कि ये जो है ना कम तीता लगता है। तो सब्जी के अकॉर्डिंग इसमें ज्यादा मिर्चा डालना होता है, तभी जाके स्वादिष्ट बनेगा। और यहाँ पे देखिए 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च लिए हैं, और 1 चम्मच जीरा लिए हैं भर के, और 2 चम्मच साबुत धनिया। इन सबको हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो आपकी मर्जी है तो आप सिलबट्टा पे पीसे या मिक्सी जार में। तो आज हम मिक्सी जार में ही पीस के फट चकर बना देती हूँ दोस्तों, झट चकर तैयार हो जाएगा। तो अब हम मसाला रेडी करेंगे। तो देखिए हम बेसन लिए हैं यहाँ पे 250 ग्राम और 100 ग्राम चावल का आटा मिक्स कर लिए। यहीं पे हम 2 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर डाल रहे हैं। ये जो मसाले हम मिक्सी में तैयार किए हैं वो डाल रहे हैं, और यहीं पे 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर। यहीं पे हम 2 चुटकी से थोड़ा ज्यादा ही हींग डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक। अब अच्छे से हम मसाले को मिलाएंगे सभी चीजों के साथ। आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा पतला नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। ये देखिए दोस्तों, इतना गाढ़ा बनाना है आपको ये पेस्ट को, ज्यादा पतला नहीं कीजिएगा नहीं तो दिक्कत आएगी। ये हमारा मसाला बहुत अच्छा मिक्स हो चुका है। अब हम पत्ते के ऊपर चिपकाएंगे। तो सबसे पहले बड़ा पत्ता लेंगे नीचे, इसके ऊपर हम ये थोड़ा थोड़ा बेसन का लेप लगाएंगे। बस ध्यान रखेंगे कि फटे ना, ऊपर से दूसरा पत्ते हम लगाते जाएंगे, और बस आराम आराम से लगाना है लेप को।
तरीके से आपको चारों तरफ लगाना है। इसके ऊपर आप छोटे छोटे पत्ते बिछा सकते हैं। ये देखिए कैसे मैं बिछा रही हूँ, जितने भी पत्ते लगाएं उसके ऊपर लेप लगाएं थोड़ी थोड़ी। कहना दोस्तों कितना मजा आ रहा है बनाने में। तेरी चाहतने देखिए इसके ऊपर हम बहुत सारे पत्ते लगा चुके हैं। अब आपको देखना है कि ये जो रोल है कितना मोटा पतला रखना है और रोल को कैसे फोल्ड करना है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए साइड में आप लगा दीजिएगा थोड़ा थोड़ा बेसन और इसको इस तरीके से फोल्ड कीजिए। इसके ऊपर भी लगा दीजिए, देख रही हैं ये कितना अच्छा चिपक जाता है। और इधर साइड में भी थोड़ा थोड़ा पत्तों के ऊपर लगा दें चारों तरफ, कि जब चारों तरफ आपका जो मसाला रहेगा ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा एक मच का। ये देख रहे हैं, और इस तरीके से इसको चिपका देना है। चिपकाना इसलिए ज़रूरी है कि आपका रोल बनाते वक्त चाहे पत्ता कैसा भी हो आप आसानी से रोल बना सकते हैं। अब देखिए अब इधर के पत्ते में आप देखिएगा तो इसमें मसाले थोड़े कम हैं, देख रहे हैं इधर साइड साइड में। तो क्या करें कि इस तरीके से ऊपरी हिस्सा में निचली हिस्सा में ऊपर भी लगा दें और इसको भी थोड़ा सा आप यहाँ पर ला के फोल्ड कर दें, फिर इसके ऊपर मसाला लगाएं। ये पेस्ट जो बेसन वाला चावल कांटा वाला मैं बनाई हूँ ना, ये चावल कांटा डालने से बहुत ही अच्छा कुरकुर होता है। अब इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए देखिए हम लोग कैसे फोल्ड करते हैं। ये दोनों तो दबा हुआ है, इस साइड का भी इस साइड का भी। अब इसको टाइट हम फोल्ड करेंगे, एकदम टाइट कोशिश करेंगे कि ये फोल्ड हो। और जो यहाँ पे किनारा आ जाता है तो इसको कैसे करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा बेसन लेंगे हाथों में और इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे लगा देंगे, देख रहे हैं इस साइड को। लगाने के बाद इसको हम थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे, ठीक है चिपक गया। चिपकाने के बाद मैं आपको करना क्या है देखिए मैं इजीली बताती हूँ आपको। यहाँ पे ला के दबा दीजिए और एक रोल आपका बन के तैयार है दोस्तों। इस तरीके से और इसको दबा के रखिए। रोल का लुक देखिए कैसा दिख रहा है। लुक एट गाइस, लुक एट गाइस। तो जितने भी हमारे पत्ते हैं सबका हम रोल बनाएंगे। तेरा साथ है तो पास क्या कमी है। मेरे को रिक्वेस्ट से ना बहुत से इमोशनल जुड़ा है दोस्तों। स्टोरी में मैं बताऊंगी तो स्टोरी हमारा आ रहा है आजकल, कहाँ पे आ रहा है आपको बता दूं, बसंती और बीरू वाला चैनल पे आ रहा है। तो स्टोरी आप देखिएगा, इस पत्ते से जुड़ी ना मेरी बहुत सी इमोशनल बातें हैं, उस पर मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा जैसे जैसे समय आएगा। तो आप लोग जुड़ जाइए वहाँ पे भी। ये कैसा पत्ता बनाई हूँ दोस्तों, ये देखिए मजा आ जाता है इसको बनाते वक्त। ये देखिए गाइस, आई एम मेकिंग का चीज है ये, बिहारी रेकॉच। वैसे तो ये महाराष्ट्र में भी बहुत फेमस है लेकिन वहाँ पे पता नहीं किस नाम से जाना जाता है, आप लोग बताइएगा दोस्तों, हमको नहीं पता है। देखिए इसको मोड़ना कितना आसान है, बस इसको टाइटली आपको फोल्ड करना है। और ये वाला रोल मैं थोड़ा पतला बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, तो ऐसा भी बना सकते हैं अब बस इसको कुछ नहीं करना है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, इजिली इसको आप बंद कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ये थोड़ा पतला रोल है हमारा, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये रहा दूसरा रोल तैयार। इसी तरीके से हम सारा रोल बनाएंगे, इसको कैसे हम लोग बांधते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो रोल बना बना के पहले रख लेती हूँ। छोटा बड़ा लंबा मोटा ये आपके हाथ में, कैसा रोल बनाना चाहते हैं। एक मैं मोटा छोटा बनाई हूँ अपने जैसा, सारा रोल मैं बना लेती हूँ अपने हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से। फिर आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है। ये हवा, ये देखिए दोस्तों कितना तेज तेज हवा चलने लगा और बारिश आने वाली है, जम के एकदम दबदबा के बारिश होगी आज, तो मजा आ जाएगा। देखिए कितना तेज तेज हवा चल रहा। तो हम जा रहे थे क्या लेने, आपको बताते हैं। ये देखिए ये बेल है, ये पोए का बेल है, इसलिए लेंगे आपको पता चलेगा। हाय मैं शर्माऊ, हाय शर्माऊ कहानियां। आ गई खूब तेज, वाओ। अब देखिए बारिश के मौसम में पकौड़े रिकवाच खाने का
अपना ही मजा है। लकड़ी ले लेके दम भाग रहे तेजी में लाला जी। ये जितना खूबसूरत बेल दिख रहा है ना, उतना ही काम की चीज है। तो देखिए, ये हम एक बेल लेंगे और इसको ना कैसे बांधेंगे वो दिखाती हूँ। वाओ वाओ, जबरदस्त दोस्त, ऑसम। तो हम बना रहे थे रेकवाच, लेकिन बारिश इतना तेज आ गया कि देखिए सब गीला भी हो गया। बारिश है, कितना तेज बारिश, इतना आनंद आ रहा है कि पूछिए मत। ऐसे में ये रेकवाच मिल जाए तो बात ठीक है। हाँ, तो मैं आप लोगों से बोल रही थी कि इसको कैसे बांधना है। बांध सकते हैं, क्या बात है राम जी, खूब बरसो तभी तो धान होगा खूब। अब इस तरीके से बांध के कढ़ाई में इसको उबालना होता है। तो कढ़ाई में चम्मच रख ले स्टैंड के जैसे, या बैगन वाला जो भरता आता है ना, भरता पकाने वाला स्टैंड, उसको रख के पानी डाल के हाफ लीटर इसको उबाल लें। और इस तरीके से चेक कर सकते हैं इसको टूथपिक से कि पका है कि नहीं। तो आज जो मैं तरीके बता रही हूँ बिना उबाले, ठीक है दोस्तों, तो मैं उबालने का भी तरीका बता दी हूँ। अगर आप क्या गिरा जी, बारिश में बड़ा दिक्कत होता है दोस्तों। तो चूल्हा जला लेती हूँ, देखिए लकड़ियाँ भी भीग गई। बरसात के दिन में कोई काम नहीं हो पाता है, इसलिए ना जलावन और राशन किसान लोग भर लेते हैं पहले ही। तो लकड़ी जो दोस्तों भीग गया है, इसलिए जलावन को अंदर रखना पड़ता है। फिर भी मैं जलाने की कोशिश करूंगी चूल्हा। चूल्हा जल गया, इस पे कढ़ाई रख देते हैं इसको। इसका हम कटिंग करेंगे, कच्चे में ही कटिंग कर देंगे। तो देखिए, कटिंग करने के लिए हम एक धारदार चाकू से इसका पीसेस बनाएंगे। इस तरीके से हम पीस बना रहे हैं, देख रहे हैं, ये देखिए बहुत ही सॉलिड पीस बन रहा है, ये देखिए। देखिए कढ़ाई में हम सरसों तेल डालेंगे, आधा छोटा चम्मच से भी कम। ये देखिए मेथी है, आप दो चिटकी भी डाल सकते हैं अगर लाइक नहीं करते हैं तो। और जब मेथी चटक जाएगा ना, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो है ना हमारा रोल को अगर आप उबाल के फ्रीजर में रख देते हैं तो कम से कम नहीं तो आपका 15 दिन तक रोल बिल्कुल सही रहेगा। जब मर्जी करे तो एक रोल निकालिए और ठंडा करके फ्रीजर में रखना है, ठंडा करके उसको कटिंग करके और सर्व कर दीजिए अपने मेहमानों में। और नहीं तो इस तरीके से बनाना है तो इस तरीके से भी बांध के आप फ्रीजर में रख सकते हैं, 10 दिन रख सकते हैं, 8 दिन रख सकते हैं। वैसे पत्ते ना नरम हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए उबाला हुआ ज़्यादा दिन तक चलता है। तो हम लोग तो गाँव में तो ताज़ा बनाते हैं, ताज़ा खा लेते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कितना बढ़िया हुआ है। तो अभी तो हम लोग एक या दो रोल खा पाएंगे, बाकी सबको फ्रीज में रख दूंगी मैं। फ्रीज में इसको स्टोर कर रहे हैं, तो क्या करें कि कोई अगर बड़ा सा डब्बा हो या टाइट डब्बा तो उसमें रख सकते हैं, और नहीं तो फॉइल पेपर में कवर करके, या एक आता है पोलोथीन आती है पन्नी, उसमें पैक करके आप रखें। मेथी हमारा देखिए भ
भुन गया है, थोड़ा जब मेथी कम ही भुना रहेगा ना। जब ही डालना है हमारा रेकवच, तो रेकवच देखिए कितना बढ़िया बेहतरीन लग रहा है ना देखने में, एकदम अमेजिंग लुक। अब एक एक करके डालेंगे हम। अब जो ऑयल है ना, इस तरीके से हम कढ़ाई में इसको कर लेंगे चारों तरफ। अगर आप पैन में बना रहे हैं ना तो सेम तरीके से कीजिएगा, और इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन से इसको कवर करके एक तरफ से 5 मिनट और एक तरफ से 5 मिनट बस पका लेना है, और आपका ना रेकवच बनके एकदम मस्त, इसका जो टेस्ट है ना दोस्तों वो बाला वाला से अच्छा आता है। ओई माँ ओई माँ, क्या हो गया मेरा। देख रहे हैं दोस्तों, तेल को ना जैसे कम तेल डाले हैं ना, तो आपको इस तरीके से कढ़ाई को थोड़ा सा घुमा देना होगा, ठीक है। ये देख रहे हैं इस तरीके से, और उसके बाद देखिए कितना बढ़िया ये करारा करारा बनता है ये। वाओ, लुक एट गाइस, ऑसम, वाओ, ये देखिए इसको कहते हैं ना रेकवच। बस आपको ध्यान रखना है कि इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है, ठीक है, फिर तो आपका जो रेकवच है ना लोग खाते रह जाएंगे, आप खिलाते रह जाएंगे। दोबारा से ढक देंगे, बस फ्लेम को आपको मीडियम रखना है, मस्त बनेगा आपका रेकवच। यहाँ पे दोस्तों हम चेक कर लेते हैं कि हमारा रेकवच कैसा बना है, देख रहे हैं कितना बढ़िया बना हुआ है। किसी भी चीज के साथ खाएं, रोटी या चावल, हम लोग तो आज इसको चावल दाल के साथ खाने वाले हैं। कि गली में मेरा दिल खो गया। दोस्तों ये पक्का वाला रेकवच है जो अभी अभी जस्ट बनाई हूँ, कितना बढ़िया अमेजिंग लुक। पर ये कच्चा वाला, तो कच्चा वाला को सेम हम दोबारा से पका लेंगे। तो दाल चावल गर्मा गर्म बन के तैयार है दोस्तों, और साथ में है रेकवच, तो किसका मुंह में नहीं आएगा पानी। तो हम तो जा रहे हैं फटाफट खाएंगे, लेकिन हमारा बेटा को भी बहुत जल्दी, तो बोल रहा है कि मम्मी हमको दे दीजिए जल्दी। तो इस तरीके से दाल चावल और रेकवच खाएं, और इधर हमारा पक रहा है धीमी धीमी आँच पर, ये भी पक जाएगा। तो हमारा ये दाल चावल रेकवच खाने का मन तो बड़ा तेज कर रहा है दोस्तों, मन कर रहा है पूरा खा जाएँ, और खाएँगे भी। वैसे तो हमारा डाइट चल रहा है, लेकिन उससे कोई बात नहीं है, लंच में खा सकते हैं दबा के, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा हमारा रेकवच बनाने का तरीका बताइएगा, और इस तरीके से आप रेकवच बनाए हैं कि नहीं ये भी बताइएगा। हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, इसी तरीके से जुड़े रहें आप लोग अनीता जी के किचन के साथ। देसी रेसिपी इंजॉय करें, विदेशी भी इंजॉय करें। बाय बाय दोस्तों, इंजॉय फॉर रेकवच। हम लोग ना बचपन में पकौड़े के तौर पर बहुत खाते थे, अभी भी खाती हूँ। ये लीजिए दोस्तों, आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए, इसका लेयर देखिए कितना अच्छा निकल रहा है, देख रहे हैं एक एक लेयर निकलेगा। ये देख रहे हैं एकदम, आप बोलिएगा कि क्या मस्त बनाए अनीता जी।